ये है न्यूज़नेट डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं सारण न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार। सारण न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सारण की सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 बाइक समेत अवैध हथियार बरामद। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र सारण एवं द एक्सपोर्ट जोन के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस अवसर पर युवाओं को दिलाई गई शपथ। किसी भी समाज की न्यू तभी हो सकती है, अच्छी न्यू तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह समाज तंबाकू निषेध हो। शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल एक नशामुक्त समाज बनाए। तो सभी युवाओं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप टोबैको को अवॉइड करें, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेल्थ। आपका नाम सर? नीरज कुमार, स्पेशल क्लासेस। मोदी सरकार 2 में मंत्रिमंडल का हुआ बंटवारा। सारण सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं मिला कोई प्रभार। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर छपरा सदर अस्पताल से निकाली गई जागरूकता रैली। सारण के रिविलगंज थाना क्षेत्र के टेक्नवास गांव से तिलक समारोह से बीती रात स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरों ने उड़ाई। सारण के रिविलगंज प्रखंड के देवरिया गांव के पास बाइक और पिकअप में हुई टक्कर। बाइक सवार युवकों को स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती।
सारण के पानापुर क्षेत्र के पकड़ी नरोत्तम गांव में बीती देर रात आग लग जाने से हजारों की संपत्ति जलकर हुई राख। नहीं पहुंचा फायर ब्रिगेड, लोगों के काफी प्रयास के बाद पाया गया आग पर काबू। सिवान के ब्लड बैंक में टीएम ने खून की कमी को देखते हुए 3 सदस्य जांच कमेटी का किया गठन। तो ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें। अधिक जानकारी के लिए न्यूज निप ऐप को डाउनलोड करें। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।